अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250523। न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के फरवरी सीजन के आज का दूसरा सवाल, किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर एक साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी म्यांमार या डी नेपाल? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर बोले, बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह विधायक अजीत शर्मा, केंद्रीय बजट निराशजनक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट को बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने निराशाजनक करार दिया है और बजट को किसान, युवा और आम लोगों के खिलाफ करार दिया है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को नई कृषि कानून के बाद किसानों के लिए दूसरी मार करार दिया है। बजट पूरा जनता उदासीन बजट है। आप देखिए, आप किसानों की बात करते हैं, दुगनी तिगनी आय करने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार देने की बात करते हैं। आप बजट को बड़ा गौर से देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि डीजल पेट्रोल का कीमत इनको घटाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत जब यूपीए सरकार की, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें $120 प्रति बैरल से भी अधिक था और आज $51 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है। फिर भी उन्होंने ₹4 डीजल पे और ₹2.5 पेट्रोल पर कीमत बढ़ाया। बढ़ाने से क्या हुआ, आपकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी और किचन में जो माँ बहने को जो कॉस्टिंग आएगी उसमें भी वृद्धि होगी। आपको बता दें, दूसरी बात कि युवकों को रोजगार की बात उन्होंने की थी 2014 में, 2.5 लाख करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष, अभी जो बिहार में चुनाव हुआ 19 लाख नौकरियों देने की बात, कोई कल कारखाना खोलने की बात नहीं हुई। मैं आपको बता दूँ, न तो युवकों को रोजगार मिलने जा रहा है इस बजट से, न यहाँ महंगाई घटने जा रही है और किसानों को जो आप डीजल का रेट ₹4 बढ़ाए हैं, किसानों की लागत में वृद्धि होगी और किसान को सही कीमत नहीं मिलेगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था और भी चरमराएगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहाँ उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। नवगछिया अंगिका दिवस पर सर्वभाषा कवि सम्मेलन और गोष्ठी का आयोजन। 1 फरवरी अंगिका दिवस के अवसर पर नवगछिया के जयमंगल टोला स्थित अंगिका साहित्य विकास समिति के कार्यालय परिसर में सर्वभाषा कवि सम्मेलन और साहित्य गोष्ठी का आयोजन ध्वनि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश मोहन शर्मा आत्मविश्वास के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर लखनलाल सिंह आरोही ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र प्रसाद निशा एवं हीरा प्रसाद हरेंद्र थे। मंच संचालन कवि श्रवण बिहारी कर रहे थे। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर आर प्रवेश ने किया। समारोह में त्रैमासिक पत्रिका अंगिका चल का लोकार्पण अतिथियों द्वारा किया गया, जबकि मौके पर 23 साहित्यकारों और कवियों और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर रमेश मोहन शर्मा आत्मविश्वास ने अपने संबोधन में कहा कि अंगिका भाषा काफी पुरानी भाषा है, इस भाषा का अब ध्वनि विज्ञान भी मौजूद है, इसलिए सभी साहित्यकारों को अंगिका के वैज्ञानिक वर्तनी का प्रयोग करने और बोलने में करना चाहिए। मैं कैलाश भाई चौधरी, चौधरी सांस्कृतिक विकास परिषद साहित्यिक संगठन पूर्णिया का संस्थापक हूँ और इस आज जो हमारा सम्मान हुआ है उसके लिए इस
नवगछिया खरीक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण किए गए युवक को दो घंटे के भीतर सकुशल किया बरामद। नवगछिया के खरीक थाना पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के दो घंटे के भीतर देर रात तुलसीपुर के समीप सरसों खेत से सकुशल बरामद कर लिया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के तिराहे गांव निवासी सुमित कुमार का अपनी बहन के ससुराल तुलसीपुर के फंटूस यादव की पुत्री के साथ कई महीने से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। इस दौरान दोनों घर वालों से छुपकर घंटों मोबाइल से बात करते थे। जब भी सुमित को मौका मिलता वह लड़की से मिलने तुलसीपुर पहुंच जाता था। सुमित अपनी प्रेमिका से मिलने तुलसीपुर पहुंचा, जहां इस बात की खबर प्रेमिका के पिता फंटूस यादव को लग गई और उसने अपने दो सहयोगी दिलराज यादव और मिलन यादव के साथ मिलकर सुमित को अपहरण कर लिया और मारपीट कर उसे घर के ही पास सरसों के खेत में बांध कर रख दिया था। जब सुमित की बहन को इसकी भनक लगी तो उसने खरीक पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित को सकुशल बरामद किया और उसके अपहरण में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाणी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया में दो अलग अलग सड़क हादसे में पत्नी समेत तीन की गई जान। नवगछिया अनुमंडल में दो अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में पति पत्नी समेत तीन लोगों की जान चली गई। सोमवार को शाम 5 बजे विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के जाह्नवी चौक के पास सड़क हादसे में रामधारी सिंह उच्च विद्यालय तेतरी पकड़ा की आदेश पाल मुंगेर के संग्रामपुर थाने के गोविंदपुर निवासी, वर्तमान में भागलपुर के अलीगंज आनंद मार्ग निवासी रानू कुमारी 55 वर्षीय और उनके पति चंद्रभूषण चौधरी की जान चली गई। रानू कुमारी तेतरी पकड़ा स्कूल में अपनी ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से भागलपुर स्थित अपने आवास जा रही थी। दूसरी तरफ रविवार की देर रात ही रंगरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर मुरली चौक के पास खगड़िया की ओर से जा रही एक बस और ट्रक की टक्कर के बाद बस के खलासी वैशाली जिले के पातेपुर थाना के मालपुर निवासी गोविंद कुमार 35 वर्षीय की जान चली गई, जबकि बलिया जिले के 19 वर्षीय सन्नी कुमार और खगड़िया जिले के 60 वर्षीय चंद्रशेखर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज रंगरा PSC में कराया गया। जाह्नवी चौक के पास हुई घटना में जानकारी मिली है कि तेतरी पकड़ा हाई स्कूल की कार्य समाप्त हो जाने के बाद रानू कुमारी अपने पति चंद्रभूषण चौधरी के साथ मोटरसाइकिल से विक्रमशिला पुल पहुंच पथ होते हुए जाह्नवी चौक से कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि नवगछिया की ओर आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल में जोरदार धक्का दे मारा। धक्का लगते ही मोटरसाइकिल पर सवार दंपति सड़क पर गिर गए और दोनों के सर पर गंभीर चोट आई। दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो जाने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने दोनों के शव को जब्त कर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। देर शाम नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। मेरे भाई राज बस ट्रेवल्स में रहते हैं, बस पर इनका एक्सीडेंट हुआ और हम उनको लेने आए हैं। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? नवगछिया स्टैंड से आगे। क्या नाम है भाई का? गोविंद कुमार तिवारी। कहाँ घर है? मालपुर। पूरा एड्रेस बताइए। पूरा मालपुर पातेपुर थाना पड़ता है हमारा, जिला वैशाली पड़ता है। क्या करना उसे काम कर रहा था? कम से कम 10 साल। क्या काम करते थे? खलासी में। ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है? मुजफ्फरपुर से जयगांव। कहाँ पड़ता है ये? मुजफ्फरपुर जयगांव बंगाल में पड़ता है सर। आपका नाम? रामू कुमार तिवारी और उनका नाम गोविंद कुमार तिवारी। आप कौन हुए? उनका भाई छोटा। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ सर? ये आदेश पाल थे पकड़ा स्कूल में, वहाँ से डेली अपना ड्यूटी करके वापस जाती थी, उसी जाने के क्रम में एक हाईवा से एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पे सर? तो ये TOP के पास में नेशनल हाईवे है, भागलपुर जाने वाली रास्ता, उसमें उसमें परिजन भी उनके आ गए हैं और पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम का प्रक्रिया किया जा रहा है। ट्रक भी पकड़ी गई है, बाकी का कार्रवाई पुलिस अपने
कितने लोग डेथ हैं सर? दो लोगों का, पति पत्नी थे, दोनों का डेथ हो गया। नवगछिया, मारपीट देखने जाना मिथिलेश को पड़ा महंगा, गोली लगने से हुआ गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के विपुर थाना क्षेत्र के लतीपुर में देर शाम हो रहे मारपीट की घटना को देखने जाना एक व्यक्ति के लिए जी का जंजाल बन गया और वह गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया। पीठ में गोली लगने से बुरी तरह से जख्मी मिथिलेश यादव को आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाबत घायल मिथिलेश यादव ने बताया कि उसके पड़ोसी के साथ रवीश यादव, सकलदेव यादव और पप्पू यादव के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। जब पड़ोसी द्वारा बचाए जाने को लेकर आवाज लगाए जाने पर वे कुछ ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे तो अपराधियों के द्वारा उन सबों को वहां से भाग जाने की धमकी दी गई और जब वे लोग लौट रहे थे तो इसी दौरान पीछे से उन पर गोली चला दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मामला सर, एक तो पड़ोसी है बगले में, हमारे घर के बगल में दक्षिण साइड, उसको ले जा कर के बगले में पूर्व साइड रामविलास बसा के नज़दीक पीट रहा था, तो एक तो आवाज़ हुआ, तो आवाज़ होने के बाद स्वतः जो हम लोग घर से बाहर आए रोड पर, रोड बगले में घर, रोड के बगले में घर है, तो वहाँ जिसको पीट रहा था वो चिघार पर रहा था, दोरो बाबू मार लको, तो हम लोग देखने के ख्याल से चार डेग बरने के बाद जो है उधर से वो बोला कि इधर कोई नहीं आएगा बहन चोद मदर चोद, तो हम लोग लौट गए। लौटने के बाद पीछे से फिर गोली चला दिया। क्या था? वही मार रहा था एक तो रवील यादव, पिता स्वर्गीय गिरो यादव, उसके बाद पप्पू यादव पिता गजाधर यादव, सकलदेव यादव पिता स्वर्गीय रमोतार यादव। क्यों मारपीट कर रहा है? वही दोनों आपस में मामला था सर। अब वो दोनों जने अब छुड़ाने गए तो सब पे भी गोली चलाया। हम गए थे तो देखने के ख्याल से सर। अच्छा, मामला क्या है? अच्छा। वो हल्ला कर रहा, दौड़ो मार दिल को, मारे दिल को, बचाओ बचाओ, नहीं हल्ला होता है सर। अब गए देखने के लिए? हाँ, हमारे साथ और भी दो चार पाँच लोग थे, तो हम गए तो उधर से गाली पड़ दिया, लौट इधर कोई ना आएगा, तो हम लोग तुरंत जो है ना सर लौट गए। लौटे बस वहाँ फायरिंग कर दिया, यहाँ देखिए गोली है सर। की नाम जो? मिथिलेश प्रसाद यादव। घर कौन है? लतीपुर। स्वर्गीय गिरो यादव, पप्पू यादव, पिता गजाधर यादव, एक तो सकल देव। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया, इंटर की परीक्षा में पहले दिन एक निष्कासी। नवगछिया के सभी 6 केंद्रों पर सोमवार को शुरू हुई इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न हुई। प्रथम पाली में हुई भौतिक विषय की परीक्षा के दौरान मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र से एक छात्रा को कदाचार करते पकड़े जाने पर उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया, जबकि दोनों पालियों में हुई परीक्षा में कुल 41 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में हुई 5 केंद्रों पर भौतिक विज्ञान की परीक्षा में कुल 1115 में 9 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे, जबकि द्वितीय पाली में हुई राजनीतिक शास्त्र विषय की परीक्षा में कुल 2329 परीक्षार्थी में से 32 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार, SDPO दिलीप कुमार घूम कर परीक्षा का जायजा ले रहे थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त एवं शांति पूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न हुई है। एक परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान कदाचार करते पकड़े जाने पर उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। किस तरह से एग्जाम गया? बोलो कैसा? अच्छा, किस तरह से प्रश्न आया था? कैसा प्रश्न था? हार्ड या टाइट? फ्लू दोनों था, जो नहीं पढ़े थे वो हार्ड था, जो पढ़े वो इजी था। सिलेबस से बाहर था या सिलेबस के अंदर आया था? सिलेबस के अंदर था। कौन सब्जेक्ट था? फिजिक्स। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। अच्छा, किस तरह का प्रश्न था? प्रश्न सब ठीक था। बनाने में कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत। सब्जेक्ट हार्ड था या प्रश्न को? हार्ड ही था।
ठीक था। सब बना लिए? नहीं। क्या नाम हुआ? अनुराधा शर्मा। कौन स्कूल से? BLS। कौन सब्जेक्ट था? फिजिक्स। किस तरह का प्रश्न था? ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। सिलेबस कैसा था? सिलेबस सिलेबस था। बनाने में किसी कोई दिक्कत नहीं? नया जो व्यवस्था हुआ ठंड के कारण परीक्षा, उसमें क्या परेशानी हो रही थी? कुछ भी नहीं। क्या नाम हुआ? आकांक्षा। कौन सेंटर से, कौन स्कूल से? तुलसीपुर हाई स्कूल। रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया 161 लोगों का वैक्सीनेशन। रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 161 लोगों को कोविड 19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि कुल 200 स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीनेशन किया जाना था, लेकिन 39 लोग अनुपस्थित रहे। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद समूह की स्थिति सामान्य थी। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर 2 और सदस्य पद पर 8 लोगों ने भरा पर्चा। आसन्न पैक्स चुनाव के लिए रंगरा चौक प्रखंड के विभिन्न पंचायत से अध्यक्ष पद पर 2 दावेदारों ने पर्चा भरा है, तो सदस्य पद पर कुल 8 दावेदारों ने अपना पर्चा भरा है। जानकारी देते हुए रंगरा चौक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि तिनटेंगा दियारा से अध्यक्ष पद पर 1 दावेदार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बनिया बैसी पंचायत से सदस्य पद पर 4 लोगों ने अपना पर्चा भरा है। मधुरोनी पंचायत से अध्यक्ष पद पर 1 और सदस्य पद पर 4 लोगों ने अपनी दावेदारी दी है। नवगछिया पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में सुधार के लिए अंतिम दिन नवगछिया प्रखंड कार्यालय में उमड़े मतदाता। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची की तैयारी एवं सुधार को लेकर सोमवार को दावा आपत्ति देने के लिए नवगछिया प्रखंड कार्यालय में भारी संख्या में मतदाता पहुंचे, जिसे लेकर नवगछिया प्रखंड कार्यालय में 10 पंचायत के लगभग 600 मतदाताओं ने अपनी आपत्ति का आवेदन दिया है। वहीं नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि नवगछिया प्रखंड में अब तक नाम जोड़ने के लिए 6 और नाम सुधारने के लिए 18 तथा नाम का स्थानांतरण करने के लिए 554 आवेदन मिल चुके हैं। लोग अभी से लाइन में लगने लगे हैं, इसकी संख्या और इजाफा होगा। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। गोपालपुर स्टेट टीम ने किया गोपालपुर पीएससी का निरीक्षण। सोमवार को स्टेट टीम ने गोपालपुर पीएससी का निरीक्षण किया, जहां एसपीओ डॉक्टर बीके मिश्रा ने कायाकल्प की योजनाओं से बने कार्य को देखा। वहीं निरीक्षण के क्रम में पीने का पानी को देखा। निरीक्षण के क्रम में पीने के पानी की समस्या से अवगत हुए, जिसे ठीक करने का निर्देश दिया गया। वहीं मौके पर गोपालपुर चिकित्सा पद प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। गोपालपुर आयुर्वेदिक चिकित्सक के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बैकंठपुर में स्थापित पीएससी गोपालपुर के आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार के सेवानिवृत्त होने के मौके पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उन्हें बुके व फूल माला पहनाकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया तथा रंगरा की आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उषा कुमारी ने उनका प्रभार लिया। मौके पर आयुर्वेदिक मिश्र रोशन राज व धीरज कुमार, परिचारी विभास चंद्र, सुमन कुमार वगैरह की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन,
जीरो माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क। सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।